मरीजों के लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और केंद्र की ओर से राज्य के डॉक्टरों के लिए एक बार फिर से गाइडलाइन जारी करते हुए उन्हें दवा की पर्ची कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए कहा गया है। यही नहीं, सभी डॉक्टरों ने जेनरिक दवाएं लिखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि केंद्र की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि डॉक्टरों को जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देना चाहिए, ये लोगों के हित में है। निर्देश में ये भी कहा गया है कि मरीजों के लिए डोज स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाए, उन्हें दिन में दवा कितनी बार लेनी है और कब लेनी है ये भी स्पष्ट हो। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही डॉक्टरों को इस तरह के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टरों को पर्ची पर साइन की जगह अपना पूरा नाम लिखने को भी कहा गया है, लेकिन अधिकतर डॉक्टर कमीशन के चक्कर में मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं और इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर से केंद्र की ओर से इस बारे में सख्त गाइडलाइन हिमाचल समेत सभी राज्यों को जारी की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार जेनरिक व ब्रांडेड दवाइयों की कीमत में 5 से 10 गुना का अंतर होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की सख्ती के कारण अभी केवल सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ही मरीजों के लिए पर्ची में जेनरिक दवाइयां लिख रहे हैं। दूसरी ओर निजी अस्पतालों के डॉक्टर जेनरिक के बजाय ब्रांडेड दवाइयां ही लिखते हैं। इस कारण लोगों को निजी अस्पतालों में इलाज से लेकर दवाइयों का खर्च ज्यादा है। सरकारी अस्पतालों के जेनरिक दवाइयां खरीदी जाती हैं। लोकल परचेज में अस्पताल जरूरत के हिसाब से ही ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे हैं। केंद्र की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि डॉक्टरों को जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देना चाहिए, ये लोगों के हित में है। निर्देश में कहा गया है कि मरीजों के लिए डोज स्पष्ट अक्षरों में लिखी जाए। अस्पष्ट लिखावट के कारण मेडिकल स्टोर के कर्मचारी कई बार गलत दवा भी दे देते हैं, जिससे नुकसान की शिकायतें सामने आई हैं। अब सरकार की तरफ से ये आदेश आया है कि वो उसको जो है कि कैपिटल लेटर में लिखना है और साथ में ये भी लिखना है कि दवाई कब कब खानी है। इसके जो एक आदेश जो अभी 2-4 दिन पहले ही हमें प्राप्त हो गया और इसको हम जो है एंडोर्स कर रहे हैं बीएमओस को, एसएमओस को, और आगे वो जो है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके अधीन काम कर रहे हैं उनको जो है कि निर्देश देंगे और जल्दी ही ये भी जो है कि कैपिटल लेटर में लिखना और साथ में कितने टाइम दवाई खानी है पेशेंट को समझाएंगे भी जो है कि लागू कर दिया जाएगा इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सर अगर फिर भी कोई डॉक्टर पहले भी जो डॉक्टर जो है इनकी अवहेलना करते थे रूल्स एंड रेगुलेशन के ये इसकी जेनरिक मेडिसिन के लिखने की और डायरेक्टर लेवल पे जो इरेशनल प्रिस्क्रिप्शन होती थी उसकी जो एक्सप्लेनेशन की जाती थी और सेमी इरेशनल की जो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल्स डॉक्टरों के की है। जिन डॉक्टरों की एक्सप्लेनेशन कॉल हुई है आगे से उन्होंने अपने में सुधार लाते हुए जो है कि अब जो है ऑर्डर सॉरी प्रिस्क्रिप्शन जो है कि रैशनल लिखना शुरू कर दिया है और इसका काफी जो है कि इन आदेशों का प्रभाव पड़ा है कि जो डॉक्टर आपने जो है कि रैशनल प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया है।